मेरे बारे में मेरे बच्चे क्या सोचेंगे, यानी फॉर एग्जाम्पल आप माँ बाप हो, अगर आप माँ बाप हो तो आपके बच्चे जानते नहीं है कि आप सेक्सुअल इंसान हो, सेक्सुअल बीइंग्स हो, जानते नहीं। आपको ऑफकोर्स जानते हैं कि भाई मॉम एंड डैड ने मुझे पैदा किया है तो इसी तरह से पैदा किया होगा, बच्चे पैदा करने के एक ही तरीके हैं, एक ही तरीका है, और जब किया होगा तो एकदम ऐसे, यानी भगवान का नाम लेके, राम का नाम लेके तो आपने वो काम नहीं किया। सेक्स के बारे में सोचा तो फैंटेसी भी किया होगा, जो वो लोग करते हैं वैसे आपने भी किया होगा, ग्रोन अप्स ने ऐसे ही किया होगा ना, हर जनरेशन वैसे ही करती है ना। लेकिन आपके बच्चे जो है वो ये सोचेंगे, नहीं नहीं नहीं, मेरे मम्मी डैडी, मेरी मम्मी ऐसे कैसे कर सकती है, डैडी को टर्की सोच भी सकते हैं, लेकिन मेरी मम्मी नहीं, नहीं, मेरी मम्मी तो देवी है, माँ तो देवी है, पापा ने जरूर, यानी कैसे है, यानी उस तरह से चौदह होगा जैसे मंदिर में आरती चढ़ाते हैं, उस पवित्र भावना से किया होगा, और माँ ने बिल्कुल बलिदान की भावना से, ले भाई कर ले, बच्चे तो पैदा करने हैं, उस तरह से किया होगा। यानी उनका इमेज है ही नहीं कि आप लोग सेक्सुअल बीइंग्स हो, लेकिन आप हो और मानना पड़ता है, और जब तक आप मानोगे नहीं तब तक आपको एक कैरेक्टर में रहना पड़ता है, आप उस मास्क को बनाए रखोगे। तो अब आप चाहते क्या हो अंदर से, आप चाहते हो फ्रीडम, आजादी, 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 आप चाहते हो आजादी, देश आजाद है, लेकिन आप आजाद नहीं हो तो क्या देश की आजादी से आपका क्या वास्ता, कोई मतलब नहीं है ना, बेमतलब की बात है। देश आजाद है, किससे आजाद है भाई, मुगलों से आजाद है, ब्रिटिश से आजाद है, हर किसी से आजाद है, लेकिन आप आजाद नहीं, आप अपने आप में आजाद अपने आप को महसूस नहीं करते हो, आपकी नौकरी है, अपनी फैमिली है, यानी और उन सब के बीच में आप चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, वही लग रहा है, अरे यार मुझे दोस्ती नहीं है, मुझे दोस्ती का एहसास नहीं है, मुझे प्यार का एहसास नहीं है, मुझे जेन्युइन अप्रिसिएशन का एहसास नहीं है, कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, करेक्ट, कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, मुझे अंदर से मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं एक डेजर्ट हूं, रणभूमि हूं, सूख गया है जमीन, क्रैक होने लगा है, पानी नहीं गिर रहा है उसके ऊपर, पानी पहुंचता ही नहीं है। तो ये जो एहसास होता है वो होता है, और मैं कहूंगा बच्चों से ज्यादा, एडोलेसेंट से ज्यादा, शायद 30-40 साल के उम्र में जब लोग पहुंचते हैं ना, उनको ज्यादा एहसास होता है, उनको एहसास होता है कि साला मैं एक कैरेक्टर बन के रह गया, मैं एक किरदार बन के रह गया लाइफ में, मैं एक किरदार निभाते रह गया, मुझे कैरेक्टर में रहना पड़ता है, और अगर मैं एक कैरेक्टर छोड़ता हूं तो पता नहीं क्या हो जाएगा, हो सकता है कि मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली जाए, हो सकता है मेरे पिताजी मुझे डिजोन कर दे, चल हट मेरे घर से निकल, हो सकता है कि मेरी बहुत जबरदस्त निंदा हो, घर में सब लोग डांटने लगे, और यानी तो अपना जो स्टेटस है घर में, एक स्टेटस बनाया हुआ है, जो भी स्टेटस है, बड़े भैया की, सेवा भावी भाभी की, या जो भी स्टेटस है, वो स्टेटस का क्या होगा, वो स्टेटस कहां जाएगा अपना, तो एंग्जाइटी रहता है कि मैं बदल नहीं सकती, मैं मुझे कैरेक्टर में रहना है। अरे लोग इतने कैरेक्टर में रहते हैं कि वो कपड़े का कोई तरीका भी नहीं बदल सकते, और ये बात मेरे साथ भी है, थी और है भी, थी, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि मैं पूरी तरह से इसमें से निकल चुका, लेकिन निकलना किस तरह से है वो मैं जान चुका हूं और कई बार निकल चुका हूं। अब निकलने का ये रास्ता है, अब मैं आपको एक सिंपल सरल उपाय दे रहा हूं। हर बार मुझे क्रिटिसाइज किया जाता है, यार क्रिश तुम प्रॉब्लम कहते हो, सॉल्यूशन नहीं कहते, मैं अब सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। ऐसे सोचो कि आप एक कौवे हो, लेकिन आप कबूतरों के बीच में रहते हो, कौवे हो, काले काव काव वाला कौवा, लेकिन कबूतर गुटरगू वाले कबूतरों के बीच में रहते हो, और कबूतरों ने अब आपको कबूतर ही मान लिया है, और आपकी भी कोशिश रहती है कि आप गुटरगू बोलो,
अब कौए हो तो गुटर को ठीक से तो नहीं बोल सकते हो, लेकिन कोशिश करते हो और बोल भी लेते हो, सीख लिया है आपने, बचपन से सीख लिया है, आदत डाल ली है, तो गुटर को बोलते हो। ऑफिस में जाते हो गुटर को बोलते हो, घर में आते हो गुटर को बोलते हो, दोस्तों के बीच में बैठते हो वहां भी गुटर को बोलते हो। फिर वो दोस्त अगर अप्रिशिएट करते हैं और आपको कहते हैं यार कितनी सुंदर है तुम्हारी गुटरगू, तुम्हें मजा नहीं आता है, तुम्हारा दिल जलता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर का कौवा जो है वो बोलने के लिए क्या बोले छटपटा रहा है, वो छटपटा रहा है अंदर से कि मैं काव काव बोलूं। आपके आप सोते हो तो काव काव की आवाज आपको सुनाई देती है, आप सोते हुए आपके सपने में काले कौवे दिखाई देते हैं और आप कहते हो हाँ कितना सुंदर सपना था धत तेरी की, मैं उठ गया और सपना टूट गया, ये सपना ही था। और फिर आप कहते हो यार मेरा तो लाइफ सपना ही बन के रह जाएगा, मैं गुटर को ही करते रहूंगा, ये क्या है। और कभी कभी आप जानते नहीं हो कि आप खुद कौवे हो, आप कहते हो नहीं नहीं मैं तो कबूतर हूं, आपने आपको कन्विंस कर लिया मैं तो कबूतर हूं, पता नहीं ये कौवे के सपने क्यों सताते रहते हैं। और कभी कभी फिर ये भी कहोगे ये कौवे है ना बहुत बुरे लोग होते हैं, कौवे को मारो, कौओं को मारो, यानी बुरे लोग हैं। तो आप अपने आप से एलियनेट होते जा रहे हो, अपने नेचर से एलियनेट होते जा रहे हो। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन ये है कि आपको कैरेक्टर से ब्रेक करना होगा। आप कैरेक्टर में रहते हो, कबूतर के कैरेक्टर में रहते हो, गुटर को बोल रहे हो, तो कभी बीच में दो चार बार दिन में काव काव तो बोल दिया करो यार, कभी तो कैरेक्टर को ब्रेक करो, हिम्मत करके ब्रेक करो, पहले हिम्मत करके ब्रेक करो, फिर बाद में आदत पड़ जाएगी। काव बोलो, एक बार काव बोलो, दो बार काव बोलो, सुबह को बोलो, शाम को बोलो, कभी अपनी पत्नी के सामने काव काव बोल के देखो, कभी अपने बच्चों के सामने काव काव बोल के देखो, कभी अपने मां बाप के सामने काव काव बोल के देखो, कभी बॉस के सामने, कभी ऑफिस में, कभी कॉलेज में, कभी दोस्तों के बीच, कभी वर्क ये अपने कलीग्स के साथ बाहर बैठे हुए हो काव काव बोलो, अचानक से वो जाग जाएंगे, वो कहेंगे साला ये क्या है, ये इसने कैरेक्टर तोड़ा, ये कैरेक्टर से बाहर निकला, अरे ये क्या है। हो सकता है कि आपको पता चले कि आपके जो दोस्त हैं उनमें से कुछ लोग भी कौवे ही हैं और वो भी कैरेक्टर में रह रहे थे और गुटरगू कर रहे थे। हो सकता है कि दो पांच लोग आपने अपने फैमिली में से निकलेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में से निकलेंगे, अपने ऑफिस सर्कल में से निकलेंगे, शायद आपका बॉस आपको बुला के बोलेगा अरे यार मैं तो बहुत खुश हूं, मैंने सोचा था तुम वो लोग जैसे हो, उन्हीं में से एक हो, लेकिन तुम अलग हो। तो अब ये एक्सपीरियंस कुछ ही लोगों को होता है, कुछ लोगों को होता है, कौन से वाले बताए? होमोसेक्सुअल्स। होमोसेक्सुअल्स का कमिंग आउट ऑफ द क्लोजेट वाला फंडा रहता है कि वो अपने नेचर को छुपा रहे थे और अचानक से उन्होंने अपने नेचर को खुले में आने दिया, वो जैसे कि क्लोजेट में यानी कबाट में छुपे हुए थे और वो कबाट में से निकले, क्लोजेट में से निकले। तो जो लोग क्लोजेट में बंद रहते हैं उनको कहा जाता है क्लोजेट होमोसेक्सुअल्स, समलैंगिक, ठीक है, मर्द जो मर्दों को पसंद करते हैं और औरतें जो औरतों को पसंद करते हैं, उनके अंदर जो वो, और आजकल वो एक मूवमेंट ही हो गया है कि भाई तुम समलैंगिक हो, तुम होमोसेक्सुअल हो तो बाहर निकलो ना, छुपाते क्यों हो। लेकिन ये सेम बात जो उनको अप्लाई होता है बिल्कुल सही अप्लाई होता है, सही है, और उनके लिए भी बहुत सही है कि भाई अगर हो, अगर तुम्हें कुछ पसंद है, उस तरह से जीना चाहते हो, तो भाई खुल के कहो कि तुम उस तरह से हो, सामने आओ, कैरेक्टर को तोड़ना पड़ेगा, कैरेक्टर तोड़ोगे, कैरेक्टर को तोड़ के बाहर निकलोगे, तब जाके पता चलेगा अच्छा अच्छा ये तो है यार अपने टाइप का आदमी है और कोई ना कोई आपको पसंद करेगा और आपकी लाइफ फुलफिलिंग हो जाएगी। तो ये बच्चों के लिए भी लागू होता है, लेकिन बच्चों से ज्यादा बड़ों के लिए लागू होता है। बच्चों का जो नकाब है उतना गहरा नहीं है, उतना कड़क नहीं है, उतना क्या कहते हैं सॉलिड नहीं, मोस्टली मैं, लेकिन होता भी है, मैं उस टाइप का बच्चा था, मैंने पूरा बचपन में
मैंने नकाब पहना है, मेरी पूरी बचपन नकाब पहने हुए नकाब पोश इंसान की तरह गई। कॉलेज में जाके थोड़ा सा मैंने नकाब खोला, नौकरी के टाइम पे फिर मैंने बाद में मैंने नकाब खोलना शुरू किया, और जिंदगी भर मैं एक एक लेयर, वो भी एक नकाब नहीं होता, एक लेयर खोलो, स्कूबी डू के कार्टून में होते हैं ना कि एक नकाब निकाला उसके अंदर और एक नकाब है, और एक नकाब निकाला उसके अंदर ऐसे ऊपर से निकालना पड़ता है, और एक नकाब ऐसे ऊपर से खींचा और निकला, तो भाई अपना नकाब निकालते रहना पड़ता है। और आपको कहां किस दिशा में जाना है, आपको उस दिशा में जाना है जहां पे आपका दिल है, यानी आप अंदर से जो हो वो बाहर दिखना चाहिए। आप कौवे हो तो कौवे की तरह बोलो, और हंस हो तो हंस की तरह बोलो। आप बोलोगे तो आपको आपका ट्राइब मिलेगा, लोग जो आपके टाइप के हैं पसंद करते हैं, उस काउ काउ को पसंद करते हैं, या वो जो ट्यों ट्यों के पसंद करते हैं। अगर आप मोर हो तो मोर, अगर आप हंस हो तो हंस, जो भी हो आपको हंस का साथ मिलेगा, हंसों का साथ मिलेगा, कौओं का साथ मिलेगा, और अपने टाइप के लोगों का साथ मिलेगा, और कबूतर का भी एक्सेप्टेंस मिलेगा। वो बोलेगा सारा ये कौवा था ठीक है, लेकिन फिर भी कौवा होने की हिम्मत तो उसने दिखाई, चलो हम उसको उसकी दाद देते हैं, उनका भी अप्रिसिएशन मिलेगा। मैं हूं आपका दोस्त कृष देवर्मन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।